किसी भी कम मैथमेटिक्स जिनका एज हो फिर मैथमेटिशियन का उनको फील्ड मेडल का अवार्ड दिया जाता है। 2014 में मंजू भार्गव को मिला, इनको 2018 में मिला। जापान के एक मैथमेटिशियन ने 2013 रामानुजन पैदा हुए 1887 में, 125th बर्थडे मनाया हमने 2012 में, घर ढूंढा, घर हिंदुस्तान में, ढूंढने के लिए हिंदुस्तानी नहीं आया, जापान के प्रोफेसर सुसुमु सुकुराई लिखा हुआ दिख, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टोक्यो यूनिवर्सिटी, एक साल वो हिंदुस्तान में रहे। उनके पास सिर्फ दो क्लू थी, पहला कि रामानुजन जिस घर में पैदा हुए उस गली में एक मंदिर था और मंदिर के पीछे तालाब था। इस इंफॉर्मेशन के बाद वो एक साल हिंदुस्तान में रहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिले, सारे नक्शे तलाशे, किस किस गली में इस तरह की चीजें होंगी, सारे इविडेंस कलेक्ट किया, फिर उन्होंने फाइनल किया कि ये वाला घर है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे वाली चीजों को ढूंढने के लिए बाहर आ रहे। हम भी ढूंढ सकते थे घर हमारे देश में। तमिलनाडु में 2013 में एन मनी ने इस घर को फिर खरीदा और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा हम इसको म्यूजियम बना देंगे। 10 साल हो गया म्यूजियम नहीं बना, ठीक है। दूसरा वाला जो घर है ये रामानुजन का के फादर का घर है, वो मदर का था, मतलब ननिहाल में पैदा हुए थे, वो वाला घर है, उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। होपफुली जब तक थोड़े से आप लोग बड़े होंगे या हो सकता है आप में से कुछ लोग पैसे कलेक्ट करके कुछ करें, इस तरह का उम्मीद है। दूसरा वाला जो घर है वो 2010 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी सैलरी से परचेस किया किसी दर्जी से, अब वो म्यूजियम है और शास्त्रा यूनिवर्सिटी उसको देखती, ठीक है। मैं क्योंकि आप लोग यूथ हैं तो थोड़ा सा उम्मीद करूंगा कुछ चीजें आप लोग बदले, आगे चलिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूं। ये है रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन और वहां पर ये एक सुश्रुत है, सबने जाना होगा सुश्रुत, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, शल्य चिकित्सक सर्जन, और उनकी फोटो उनके एंट्रेंस गेट पे ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहां हो जाएगा तो फिर अगले दिन अखबार में हेडलाइंस बन जाती है। दूसरा 2021 CBSE हैज गिवन ए सर्कुलर जिसमें बात करी हुई थी कि कोडिंग बच्चों को सिखाया जाए, एक तो कोडिंग आप लोग सीखते हैं। 2021 में जैसे ही CBSE ने सर्कुलर जारी किया तो व्हाइट हैट जूनियर और बहुत सारी कंपनियां आ गई और दे स्टार्टेड टीचिंग कोडिंग, और माँ बाप ने जबरदस्ती अपने बच्चों को कोडिंग सीखने के लिए भेजना शुरू करा। दो साल के बाद CBSE ने क्लेरिफाई किया कि जो कोडिंग का उनका मतलब था दैट वॉज समथिंग फ्रॉम द इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी कुछ बच्चे अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई सरस्वती वंदना से, शारदा माँ शारदा, एक बुक थी आप में से कितनों ने पढ़ा है मुझे नहीं पता, 1881 में एक बुक निकली मिली थी पेशावर में, एक जगह है बक्षाली, बुक का नाम है बक्षाली पोथी, नाम सुने नहीं। वो बुक शारदा लिपि में लिखी गई थी, दैट बुक वाज रिटन इन शारदा स्क्रिप्ट, तो संस्कृत का एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसको हम शारदा कहते हैं, क्योंकि अभी बच्चे शारदा स्टार्ट कर रहे थे गाना सरस्वती माँ का भजन, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करूँ। NEP आप में से कितने उन्हें NEP पढ़ा है, ये मेरे ख्याल से मेरा थर्ड चांस है, मैं इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं IIT मंडी में था, IIT मंडी, IIT BHU और IIT कानपुर में मेरा इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर के 3 लेक्चर्स हुए हैं और चौथा इंस्टेंस है जब मैं यहाँ BTech के बच्चों के साथ
बातें कर रहा हूं। तो पहले हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम का थोड़ा सा एक ब्रीफ लें और फिर हम लोग रामानुजन के इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज 22 दिसंबर है और 22 को मैथमेटिक्स में पैलिंड्रोम नंबर भी कहते हैं, सबको पता होगा पैलिंड्रोम, और 22 को स्पिक नंबर कहते हैं। स्पिक नंबर कौन कौन जानते हैं? नाम सुने? चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, घर पे जाकर ढूंढिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक मैथमेटिशियन थे स्मिथ, वो अपने ब्रदर इन लॉ के घर पे गए तो वहां पर उनका जो टेलीफोन नंबर था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। टेलीफोन नंबर का जो फैक्टर उन्होंने किया, जिस नंबर का, उसके जो प्रोडक्ट थे उनका डिजिटल सम और जो नंबर था उनका डिजिटल सम दोनों इक्वल था। जैसे 22 का फैक्टर है 2 × 11 और 22 के डिजिट सम आप करेंगे 2 + 2 = 4 और 2 × 11 का डिजिट सम करेंगे 2 + 1 + 1 दोनों इक्वल होता है। ऐसे नंबर को मैथमेटिक्स में स्मिथ नंबर कहते हैं। 22 2 + 2 = 4, 22 का फैक्टर है 2 × 11, 2 + 1 + 1 इक्वल्स टू 4। ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स का सम और नंबर के डिजिटल सम का वैल्यू इक्वल हो उसको स्मिथ नंबर। आज 356 डे है इस साल का, 2023 का 356 डे है और 356 एक सेल्फ नंबर है। सेल्फ नंबर नाम सुना? तो दूसरा काम आपको करना है कि सेल्फ नंबर के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि अभी बात बच्चे स्टार्ट कर रहे थे नंबर्स की। और सेल्फ नंबर एक मैथमेटिशियन थे हिंदुस्तान में, डी आर कापरेकर, दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर। तो जब आप नासिक से मूव करेंगे बॉम्बे की ओर तो एक स्टेशन है, स्टेशन का नाम है देवनाली। ट्रेवल किया होगा यदि आपने ट्रेन से तो आपको एक स्टेशन दिखा होगा देवनाली। तो कापरेकर ट्रेन का वेट कर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक नया नंबर डिजाइन किया जिसको उन्होंने देवलाली नंबर कहा और बाद में मैथमेटिक्स में उसको सेल्फ नंबर कहा। सेल्फ नंबर में जो डिजिट्स हैं उन नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर से आपको एक नंबर डेवलप करना है जो उसी नंबर की इक्वल हो। तो आज जो तारीख है, डे है 2023 का 356 डे है, इसको हम आइंस्टाइन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि 356 को आप लिखेंगे तो 2² × 89। आइंस्टाइन नंबर क्या है? आइंस्टाइन का E = mc². तो यदि E आपका 356 है, M आपका 89 है, तो C आपका 2। तो 356 आइंस्टाइन नंबर का एक पार्ट है। तो आपने तीन नंबर सीखा, थोड़ा सा उसको स्पिक नंबर, आइंस्टाइन नंबर, सेल्फ नंबर। सेल्फ नंबर के ऊपर कंप्यूटर बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर तो काफी प्रोग्रामिंग है, तो एक बार आप लोग उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करिएगा सेल्फ नंबर के ऊपर। ठीक है, दो स्लाइड आप आगे मूव कर दीजिए, ये भी मूव कर दीजिए, बाद में हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मूव करिए। दोपहर का समय है तो मेरे ख्याल से कई लोगों को, कई बच्चों को नींद नींद आ रही हो, तो थोड़ा सा हम लोग लाइटर नोट पे स्टार्ट करेंगे सेशन, फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे जाएंगे। एक तो और स्लाइड मूव करते हैं और आगे अभी मूव करी जब तक ओके लाइटर नोट पे स्टार्ट करता हूं। यारा जितनी चीजें हैं सब फैमिलर हैं? हाँ, अब नींद भाग गई होगी खाने की चीज देखती है, तो शुरू करें। मोमोज, पास्ता, अरे इसमें से कोई ऐसा खाने का आइटम जिसको आप ना जानते हो? आपका कैंटीन बड़ा अच्छा है, अभी मैं कैंटीन